हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफार्म। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बीफॉर्म सेवन सेमेस्टर BP 702 थ्योरी में। अब इसमें हम पायलट प्लान कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल्स की बात कर रहे हैं। ये पार्ट टू है, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लिक्विड ओरल्स का फर्स्ट का, और इसके पहले जो हम सॉलिड्स में बात कर रहे हैं वो सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करें। अब हमने एक जनरल कंसिडरेशन पढ़ा था, टेबलेट का भी पढ़ा था और जनरल कंसिडरेशन पढ़ा था। उसी जनरल कंसिडरेशन की यहाँ बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। जनरल कंसिडरेशन जब लिक्विड ओरल्स की बात करेंगे तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रिव्यू ऑफ फार्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यदि इन सब की आप बात करोगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर, लिक्विड ओरल्स की, और यदि सॉलिड्स में आता तो सॉलिड्स की। अब जनरल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग अरेंजमेंट आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जब रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग अरेंजमेंट लेबोरेटरी से, हम कहां पर आ रहे हैं, कमर्शियल स्केल पे, तो रिकॉर्ड हमको चाहिए ना हर चीज का, तो वो हम यहां पर देखेंगे। कम्युनिकेशन भी बेहतर होना चाहिए किस किस के बीच में, पायलट प्लांट और जो आपका रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस है, पैकेजिंग है, इनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए और सब रिपोर्टिंग सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। यह हम सब पढ़ चुके हैं, वही हम फटाफट यहां से रिवाइज कर लेते हैं। फिर क्या हो गया हमारा R&D ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग। यहां पर R&D ग्रुप कौन सा काम करेगा, यहां पर R&D ग्रुप काम करेगा जो आपका लिक्विड ओरल्स में काम कर रहा है, और फॉर्मुलेशन हु डेवलप द प्रोडक्ट। अब यहां लिक्विड ओरल्स में जिसने फॉर्मुलेशन डेवलप किया, हम लिक्विड ओरल्स में जनरली सॉल्यूशन और सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन की बात करते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट करा, कौन सा बना रहा है वो सस्पेंशन, किस नई मेथड से बना रहा है वो डेवलपर। पर्सनल रिक्वायरमेंट हमने वहां भी बात करी थी, यहां भी बात करी थी कि उसको फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफाई लिक्विड ओरल मैन्युफैक्चरिंग का उसको नॉलेज होना चाहिए जो पर्सन वहां काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग वालों को आपने लिक्विड ओरल में खड़ा कर दिया, उसको मालूम नहीं है। फिर एबिलिटी और क्या होना चाहिए कि वो, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो अच्छा बोले, अच्छा लिखे, रिलेशनशिप बनाने की उसमें एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी काम करेंगे। हाँ, उसको थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि जैसे मिक्सिंग हो रही है या जो टैंक है उसका वाटर लेवल कितना बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर रखना है, ये आपको होना चाहिए, और थोड़ा कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब स्पेस रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो वही बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, फिजिकल टेस्टिंग के लिए चाहिए, इक्विपमेंट के लिए चाहिए, और स्टोरेज एरिया चाहिए। अब टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, यदि कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो वहां एरिया थोड़ा सा कम लग सकता है, यहां पर एरिया चेंजेस हो सकता है। क्यों हो सकता है, जैसे मानने के लिए आपने IV फ्लूड्स बना रहे हो तो बॉटल्स उसकी बनती है 1 लीटर की और 500 ml की, NSDNS की बहुत बॉटल देखी, तो स्पेस चाहिए। उसके बाद क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, उसके बाद लेबलिंग के लिए क्वारंटीन थोड़ी जगह चाहिए, वो उसके बाद स्टरलाइजेशन के बाद बॉटल गर्म रहती है वो आती है, तो इस तरह से थोड़ा स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन आपको लिक्विड ओरल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें तो वहां पर क्या होगा, एडिक्वेट आपको टेबल का अरेंजमेंट होना चाहिए, और वहीं यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पर जो साइंटिस्ट हैं और टेक्नीशियन हैं उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, वर्किंग के पास ही उनका केबिन होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उनको जहां मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है वहां से थोड़ा दूर जाके कंप्यूटर पर काम करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें साथ में होना चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया भी सेम रहेगा, फिक्स प्लेटफॉर्म रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, उसी के साथ स्पेशल टेस्टिंग एरिया रहेंगे, जैसे स्टरिलिटी टेस्टिंग आपको करना पड़ेगी लिक्विड ओरल्स में जो हम सॉलिड में नहीं करते हैं, तो ये एक चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस की यदि बात करें तो यहाँ पर साइज थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डोजेस फॉर्म हम यहाँ पर बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, तो क्या होगा। फॉर्मुलेशन एरिया आपका सेपरेट होना चाहिए, क्लीनिंग इक्विपमेंट की इजी होना चाहिए, डेली आपको क्लीनिंग करना है, जो क्योंकि यहाँ पर 500 से 5000 से 10000 लीटर के टैंक होते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोरेज एरिया की। स्टोरेज एरिया में भी वही डिवाइड कर दिया हमने, यहां पर क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल के स्टोरेज हो गया, फिनिश
प्रोडक्ट के लिए आपका स्टोरेज हो गया, रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट, साथ ही साथ इंटरमीडिएट के लिए आपको स्पेस ज्यादा लगेगी, जो मैंने बोला लिक्विड ओरल से बॉटल से जगह ज्यादा लेती है। स्ट्रिप पैकिंग, ब्लिस्टर पैकिंग यदि टेबलेट की बात करते हैं तो वो स्पेस कम यूज करती है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो स्पेस थोड़ी ज्यादा लगेगी। ठीक है, रिव्यू ऑफ फार्मूला, रिव्यू ऑफ फार्मूला की बात करते हैं, यदि कुछ चेंजेस पायलट प्लांट के टाइम पे कोई देखने को मिलता है तो फेज थर्ड ट्रायल में जाने के पहले वो चेंजेस व्यक्ति को कर लेना चाहिए। इंग्रेडिएंट कंपेटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपने लेब स्केल से लेके आप पायलट प्लांट पे लेके आए, यहाँ पर मिक्सिंग या हीटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका इमल्सीफायर ठीक से काम नहीं कर पाया है तो आपको कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब बात आती है रॉ मटेरियल की, तो क्या होगा, अप्रूव्ड क्वालिटी और क्वांटिटी आपको बिल्कुल मेजर करके लेना पड़ेगी। आपके पास ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो वेरीफाइड हो, उसकी टेस्टिंग हो चुकी हो और वो अप्रूव्ड हो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। अब प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, टैंक्स, केटल्स, पाइप्स, मिल्स, फिल्टर, हाउसिंग आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। अब ये आपके जो है स्टेनलेस स्टील से फैब्रिकेटेड होना चाहिए। मेनली इंडस्ट्री में दो तरह के स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, टाइप 308 एंड टाइप 316। इंट्रैक्शन विद मेटेलिक सरफेस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ग्लास और पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन, जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। अब क्या होता है, या तो हम इंट्रैक्शन को कम कर रहे थे तो ग्लास की कोटिंग कर लें आपके टैंक्स में और इनमें, या फिर क्या करेंगे हम टेफ्लॉन की कोटिंग कर लें जो इनर वॉल रहती है उस पर। पर टेफ्लॉन की प्रॉब्लम एक ये है, ये क्या होता है, इनर्ट सरफेस तो हो जाती है लेकिन इसमें क्रैकिंग, ब्रेकिंग, फ्लेकिंग, पिलिंग ये चीजें होती हैं, तो इसके कारण से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसके कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस कारण से हम टेफ्लॉन की कोटिंग को अवॉइड करते हैं। और यदि किसी कारण से आपने टेफ्लॉन कोटिंग करी है तो आपको चेक करना पड़ेगा हर बेच के बाद कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और यदि प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो पुरानी बेच को भी आपको चेक करना पड़ेगा। रेफरेंसेस हम यहां बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन का, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।